नेपाल में शुक्रवार की सुबह नेशनल हाईवे में एक बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन के चलते काठमांडू जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गई। दोनों बसों में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। 7 लोगों के शव मिल चुके हैं। पुलिस अधीक्षक भावेश रिमल दल मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। रेस्क्यू अभियान में पुलिस सेना के साथ ही NDRF की टीम में भी जुटी हुई है। बसों में एक बस एंजेल ट्रांसपोर्ट सर्विस की और दूसरी गणपति डीलक्स सर्विस की बस बताई गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सफर पर न निकलने की अपील की है। बताया गया है कि बसों में 7 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। अन्य यात्रियों का अब भी कुछ पता नहीं लग पाया है। 20 घंटे से बंद पड़ी बुंगाछीना अलगड़ा सड़क खुल गई है। मुसगांव के पास आए मलबे को PMGSY सिंचाई विभाग ने हटा लिया है। सड़क खुल जाने से आधा दर्जन से अधिक गांवों को राहत मिली है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों को खोलने में विभाग लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की फेक ID लगाकर लोगों को धमकाने के मामले थम नहीं रहे हैं। नगर के युवा व्यापारी आशीष सोन को बीते रोज एक नंबर से फोन आया। उन्होंने फोन नंबर की जांच की तो ID में एक पुलिसकर्मी का फोटो लगा हुआ था। फेक ID लगाकर फोन करने वाले बच्चों को गिरफ्तार कर लेने, बच्चों की दुर्घटना होने आदि की सूचना देकर लोगों से पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष सोन ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पिथौरागढ़ जिले में हरेला पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष जिले में एक पौधा अपनी माँ के नाम थीम पर 2,06,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पौधारोपण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी से कहा कि पौधारोपण और लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए सभी विकास खंडों में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठिया वात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निःशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।